अस्सलामुअलैकुम। हाजिर है आपका शेफ पीए सुभानी कुक एंड बेक फूड्स के साथ। आज हम आपको बगैर ओवन पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा की डो तैयार करनी है, तो वो डो तैयार करते हैं। ये थोड़ी सी मुझसे जल्दी हो गई, मैं ये याद नहीं रहा तो मैंने कैमरा नहीं लगाया था, इसलिए आपको बता दूँ। आपने ये करनी है, ये ईस्ट आपको बाजार से मिल जाएगी, किसी दुकान से बड़े जनरल स्टोर से मिल जाती है। एक टेबल स्पून आपने ईस्ट लेनी है, ये आधा किलो मैदे का मैं आपको बता रहा हूँ। एक टेबल स्पून आपने ईस्ट लेनी है, एक टेबल स्पून ही आपने चीनी लेनी है, एक टीस्पून भरी हुई आपने नमक की लेनी है, थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा खाने का सोडा आपने लेना है। उसके अलावा आपने एक अंडा जो कि इसमें आपने फेंट लेना है, और चार टेबलस्पून ये वाले आपने इसमें घी, यानी 50 ग्राम आपने इसमें घी शामिल करना है, कुकिंग ऑयल, सॉरी घी नहीं, कुकिंग ऑयल आपने शामिल, जैतून का तेल शामिल कर सकते हैं, कोई भी खाने वाला तेल आप इसमें, इसको आपने अच्छी तरह फेंट लेना। अब यह मिक्स हो गया, तो अब आपने, क्योंकि इसमें हमने दूध नहीं डाला, खुश्क दूध मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैं इसमें इसको दूध में गूंदूंगा। ये थोड़ा सा मैंने नीम गरम दूध लिया, उससे मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, सब कुछ मिक्स हो गया। अच्छा, अगर आपके पास खुश्क दूध हो तो आपने एक टेबलस्पून भर के खुश्क दूध इस्तेमाल करना है, फिर आपको दूसरे दूध की ज़रूरत नहीं होगी, ताज़ा फ्रेश दूध की। अब इसमें हम जो आधा किलो मैदा है वो शामिल करेंगे, और इसको हम अच्छी तरह गूंद लेंगे, जिस तरह घर में आटा गूंदते हैं। डो को ना आपने ज़्यादा सख्त करना और ना ही आपने ज़्यादा नरम करना, इसको पहले अच्छी तरह आप इस तरह मिक्स कर लें। वो लोग बगैर अंडे के भी बनाते हैं, आप अगर अंडा नहीं पसंद करते तो बेशक अंडा आप नहीं डालें, लेकिन मज़ा जो डो से ही बनती है वो अंडे के साथ ही बनती है। ये हो गया, अब हम इसमें जो दूध हमारे पास है नीम, यानी कि ठंडा दूध नहीं आपने इस्तेमाल करना, नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना, उससे आप इसको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें और दूध ऐड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना, क्योंकि आटा पतला ना हो जाए। कम से कम आपने इसमें एक पाव दूध लाजमन हर सूरत इस्तेमाल करना है, अगर फिर भी पतला हो तो फिर आप थोड़ा सा नीम गर्म इसमें पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा जी हमारा तकरीबन गूंद चुका है, रेडी हो गया। अब इसे हम 25 मिनट के लिए किसी बर्तन में ढक के रख देंगे। ये मैंने बॉल लिया, इसमें हल्का सा नीचे घी लगा देंगे कि ये इसमें चमक ना जाए, आली करने का थोड़ा सा। अब इस आटे को जो हम गूंदा इस बर्तन में हम 20 से 25 मिनट के लिए, ये आपने ये अच्छी तरह से साफ कर लेना, क्योंकि ये जो होता है बेसिकली सारा इसमें आपका वो ईस्ट वगैरह होता है, इसे आप अच्छी तरह कवर करके तो आप कम से कम 20 से 25 मिनट, बल्कि आधे घंटे के लिए आप कवर करके इसको रख दें। यदि एयर टाइट बर्तन है, अब इसको ऐसे अच्छी तरह बंद करके एयर टाइट करके इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो पेस्ट है पिज़्ज़ा पेस्ट, वो तैयार करने का तरीका। बाज़ार से भी मिल जाती है, वो ज़रा महंगी होती है, और ये घर की होती है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत ईजी से। आधा कप आपने टमाटो केचप लेनी है, सिर्फ टमाटो केचप, ये नहीं आपने गार्लिक केचप नहीं लेनी, टमाटो केचप लेनी है। उसके लिए आधा कप ये लेके इसमें आपने तकरीबन एक टीस्पून भरा हुआ, इसके अंदर आपने ये कुटी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च आपने शामिल करनी है, हसबे जायका थोड़ा सा नमक, क्योंकि केचप में होता आप तकरीबन क्वार्टर टीस्पून आप नमक इस्तेमाल करेंगे। लोग देखे हैं मैंने बहुत चीज़ें बीच में, लहसुन अदरक और ये वो, कुछ भी नहीं इसमें डलता, सब्ज धनिया है ये है वो, नहीं ऐसी चीज़ें इसमें कुछ नहीं डलती। ये सिर्फ आसान सा दो इंग्रेडिएंट हैं, ये मार्केट से अच्छे स्टोर से मिल जाते हैं,
एक है ओरिगैनो और एक है थाइम। आप ये ओरिगैनो लेंगे, ये पत्ते होते हैं बेसिकली, ये हाफ टी स्पून आप लेंगे ओरिगैनो, तकरीबन हाफ टी स्पून ही लेंगे क्योंकि आधी आपने, आधा कप है आपका ये। और ये है थाइम, ये भी बाजार से मिल जाता है आराम से, ये भी आपने हाफ टी स्पून ही यूज करना है। ये इसके अंदर मिक्स करें, आपको इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जी आपकी पेस्ट तैयार हो गई। अब हमको, हम आपको जो पिज्जे का चिकन है वो बनाना सिखाते हैं। ये हमने थोड़ा सा चिकन लिया है क्योंकि एक ही पिज्जा हमने बनाना है, उसके लिए ये चिकन लिया है। इसके छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं, ये देखें छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। फ्राई पैन में हमने 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है, कुकिंग ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। चिकन हमारा देखिए वाइट हो चुका है सारा। अब हम इसमें 1 टी स्पून हम लहसुन अदरक इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक हमारा तकरीबन हो चुका है, अब इसमें 1 घूंट सिर्फ पानी शामिल करेंगे, क्योंकि वो नीचे लग रहा है, वो नीचे नहीं लगेगा। पानी शामिल करके अब इसमें हम तकरीबन 1/2 टी स्पून चाट मसाला, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। चाट मसाला एक ऐसी चीज़ है, इसमें सब इंग्रेडिएंट होते हैं। देखिए हमारा चिकन हो चुका, अब चूल्हा बंद करते हैं और इसे निकाल कर प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो गया और चिकन भी हमारा तैयार हो गया। अब इसे निकाल के प्लेट में रख देते हैं। देखिए जी डो हमारी फूल चुकी है, देखिए फूल भर गई है, डो हमारी फूल चुकी है। अब हम इसकी एक बड़ा पेड़ा लेके उसकी, क्योंकि ये मैंने ये ट्रे आप देख रहे हैं, ये पिज़्ज़ा पहनता, ये खुद मैंने उसके लिए इसको सीधा वैसे करके अपने देश के लिए बनाया हुआ है। इसके ऊपर ये उठाने के लिए ज़रा आसानी होती है, ये बना इसको मैंने अली कर लिया। अब हम इस डो से ना इतनी मोटी ना इतनी बारीक हम एक रोटी बनाएंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये जी हमने अपनी डो जो है वो एक रोटी बना के, न इतनी मोटी न पतली, हमने इसमें ये सेट कर लिया। तो अब हम इस पे अपनी जो सॉस है वो सॉस लगाएंगे अच्छी तरह। ये मैंने बनाई इस हिसाब से थी कि जो एक पिज्जे के लिए थी। अब ये सॉस अच्छी तरह लग चुकी है, अब आप इसकी टॉपिंग करेंगे। चीज़ मैंने क्रश कर लिया, आप पहले ये तो हल्का हल्का चीज़ नीचे डालेंगे। चीज़ आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितना आप पसंद करते हैं उतना आप चीज़ डाल लें। अब ये मैंने सब्जियां जो हैं ये काट के रख ली हैं, पहले ये टमाटर हैं बीज निकाल के ये काट के रख ली हैं। आप इस तरह एक एक टमाटर ऐसे छोड़ के रखते आएंगे, आपने इस तरह ये सब टॉपिंग कर लेनी है। इस तरह तरतीब से आपने सब्जियां लगा लेनी है। चिकन हम ज़्यादा पसंद नहीं करते इसलिए मैंने थोड़े लिया। इस तरह आप फासले फासले पे चिकन जो आपने फ्राई किया था वो रख देता। ये जी हमारा चिकन सारा लग गया। अब इस पे हमने ये जैतून हमने लिया था, ये साबुत जैतून था, इस तरह करके आप इसको भी लगा लेंगे। ये प्योर इटालियन रेसिपी है, क्योंकि मैं इटली में खुद रहा हूँ तो ये वहाँ की रेसिपी है 100%, इसमें कोई कमोबेश नहीं है। अब हम जो चीज़ हमारा बचा हुआ जो वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे, सारी डालेंगे। ऐसे आपने सारे पिज्जे पे अच्छी तरह चीज़, क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ के साथ चीज़ ही खाने वाला होता है,
अगर चीज में बंदा लालच करे तो फिर पिज्जा खाने का क्या फायदा। अब हमने अपना इसको बेक करते हैं। ये जी हमारी टॉपिंग कंप्लीट हो गई, अब आपको बेकिंग दिखाते हैं। देख के हमने पहले प्री हीट कर लिया 15 मिनट, आग अब इसकी कम कर देंगे थोड़ी सी, फिर रख के मैं बताता हूँ कितनी आंच पे रखना है। ये विदाउट ओवन बना रहा हूँ मैं आपको, ये इस तरह आराम से इसके अंदर ये बिल्कुल पूरा बैठ गया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा आपने डाल के कि दम अच्छी तरह ये पक चीज, ये उसके ऊपर डाल के ढक्कन आप दे दें, कपड़े को फोल्ड कर दें और कोई थोड़ी सी भारी चीज इसके ऊपर रख दें। इसको कम से कम 40 से 50 मिनट लगेंगे। आग आपने बिल्कुल दम वाली करनी है, जो कि चावलों के दम में करते हैं। सर ये हमारा तैयार हो चुका है, खोल दिया, ढक्कन ऊपर से उतारते हैं, देखते हैं किस तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिज्जा हमारा तैयार हो गया, चूल्हा बंद कर दिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पिज्जा बहुत हमारा अच्छा बना। अब इसे निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी पिज्जा बना है हमारा, ये काट के ये सर्व किया है। ये देखें स्लाइस चीज़ उठाना थोड़ी सी, ये देखें चीज़ जी माशाल्लाह। रेसिपी पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।